तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोविड-19 की जो वैक्सीन आप लगवाते हो उसका सर्टिफिकेट आप व्हाट्सएप पर किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। बस इसमें समय कुछ नहीं लगेगा, आपको 10-15 सेकंड लगेंगे और अपने आप आपके फ़ोन में व्हाट्सएप का PDF है आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, हमें नंबर भी याद नहीं रहते कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, कैसे हम डाउनलोड करें। तो उसका ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने फ़ोन के जो डायलर है वहाँ पर जाना है, एक नंबर सेव करना है +91 90131515515। इतना नंबर डायल करोगे और इसको आप माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क के नाम से सेव कर लोगे। सेव करने के बाद में आपको फिर व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपने नंबर सेव किया है उस पर टाइप करना है। जैसे ही आप वहाँ पर करोगे तो आपको यहाँ पर एक मैसेज है, वो भेजना है। क्या भेजना है? कोविड सर्टिफिकेट। जैसे ही आप कोविड सर्टिफिकेट मैसेज भेजोगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आपके जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर इस तरह का एक OTP भेजा गया है, वहाँ से आपको वो OTP डायल करना है। तो उनके अंदर आपके जो OTP है वो एंटर करना है। जैसे ही आपका 6 डिजिट का OTP एंटर करोगे तो 30 सेकेंड के अंदर है जो कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा उसको करना है। तो आपको यहाँ पर टाइप 1 फॉर डाउनलोडिंग कोविड सर्टिफिकेट करके आएगा, तो यहाँ पर 1 डायल कर देना है और आपका नाम है वो बताएगा साथ में। और जैसे ही आप 1 डायल करोगे तो आपके सामने कुछ ही सेकंड में सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। मेरे फ़ोन में मेरा सर्टिफिकेट आ चुका है। आप भी ट्राई करो कि आपने अगर कोविड वैक्सीन लगवाई है तो आपका सर्टिफिकेट आया है कि नहीं आया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।